हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव के बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में और डीप में जाएंगे आज। दोस्तों, ट्रांसटिव का मतलब आपको पता होगा, सकर्मक क्रिया होता है। और सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म के ऊपर डिपेंड होती है। आप यूं भी कह सकते हैं, नहीं तो फिर कर्म की आवश्यकता जिसको पड़ती है वही वर्ब होती है, ट्रांसटिव वर्ब। देखिए, ट्रांसटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया तो होता है, आपको ऐसे लग रहा होगा सकर्मक मतलब कर्म के साथ, ऐसी वर्ब जो कर्म के साथ आए। लेकिन कर्म में भी थोड़ा सा मतभेद है। देखिए, ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें, ट्रांसटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो उसको आप जाकर के हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप जाकर के पहले उसको पढ़ लें और तब आप इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बता दें कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको आप समझ पाएंगे जब क्या से आप प्रश्न करोगे। जैसे जो सब्जेक्ट है, सपोज दैट राम विद्यालय जाता है, ठीक। राम कहाँ जाता है, राम क्या जाता है, बोलिए राम क्या जाता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उस तरह से इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो राम एक पुस्तक पढ़ता है, आप बोलोगे राम क्या पढ़ता है, राम रीड्स व्हाट, क्या पढ़ता है, एक किताब, एक पुस्तक पढ़ता है। तो अब जो एक व्हाट, जो क्या के उत्तर में मिलेगा आपको, वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब किसको करेंगे, जो किसको के उत्तर में मिलेगा वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपको बता दें कि ट्रांसटिव वर्ब को पहचानने के लिए, वर्ब को ट्रांसटिव बनाने के लिए हमें चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब वह वर्ब ट्रांसटिव बिल्कुल नहीं हो सकती है। आइए कुछ देखते हैं हम लोग एग्जांपल यहाँ पे, पहले उसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ट्रांसटिव वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए, ऐसी क्रियाएं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं कर्म की आवश्यकता होती है। ओके, उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। देख लीजिए, द वर्ब यूज्ड विद ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं ट्रांसटिव वर्ब, इज कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ट्रांसटिव वर्ब। ऐसी क्रियाएं जो क्रिया हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है उसे हम कहते हैं ट्रांसटिव वर्ब। देखिए कुछ एग्जांपल हम बता रहे हैं। पहला है, वैभव इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। फिर दूसरा है, वैभव इज प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए दोनों में बताइए, आप बताइए कि इसमें से कौन वर्ब ट्रांसटिव है और कौन वर्ब इनट्रांसटिव है। तो पहले आपको बता दें कि यहां पे देखिए वर्ब है, दो है, इसमें प्लेइंग है, इसमें प्लेइंग, दोनों वर्ब्स हैं और ये दोनों वर्ब हैं। अब इसमें आप बताइए इसमें कौन सी वर्ब ट्रांसटिव है और कौन सी वर्ब इनट्रांसटिव है। तो देखिए, पहले आप इसमें वर्ब जो इसमें सब्जेक्ट है उसके साथ आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करिए, वैभव इज प्लेइंग व्हाट, वैभव क्या खेल रहा है, वैभव क्या खेल रहा है, तो आपको मिलेगा क्रिकेट। जब आप क्या से क्वेश्चन किए, व्हाट लगाए, तो आपको मिला क्रिकेट। इसका मतलब क्या है, जो क्रिकेट है इसमें तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा तब वह वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव ही होगी। तो यहाँ पे आपको मिला क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, यह आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, ये क्लियर है कि जो ये प्लेइंग वर्ब है ये कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव
वर्ब है। यहाँ पे देखिए वैभव इज प्लेइंग इन द फील्ड, वैभव इज प्लेइंग इन द फील्ड, वैभव खेल रहा है। तो वैभव खेल रहा है व्हाट, वैभव क्या खेल रहा है, वैभव किसको खेल रहा है, कुछ मिला यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, इन द फील्ड है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे प्लेइंग वर्ड क्या हो गया आपका, इनट्रांसिटिव हो गया। ओके गाइस, फिर से देखिए, वैभव इज प्लेइंग क्रिकेट, वैभव इज प्लेइंग व्हाट, वैभव क्या खेलता है, क्या का जो उत्तर मिलेगा आपको वह होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है उसकी जो वर्ब होती है वह होती है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या मिला, इन द फील्ड मिला, इन द फील्ड आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या, जो प्लेइंग वर्ड है ये आपका हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। इस तरह से है ये। और कुछ यहां पर देख लीजिए, आइए देखते हैं। ही गोज टू स्कूल, देखिए ही गोज टू स्कूल, इसमें आप बताइए जो गोज वर्ड है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब यहाँ पे जो ये ट्रांसिटिव है कि इनट्रांसिटिव है, देख लीजिए आप, ही गोज टू स्कूल, वह क्या जाता है, क्या ने आपको मिला, ही गोज व्हाट, व्हाट में कुछ मिला आपको आंसर, कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब ये आपका इनट्रांसिटिव है। ओके है, खुशी इज प्लेइंग, खुशी अपने सहेलियों के साथ खेल रही है। अब देखिए खुशी क्या खेल रही है, कुछ नहीं पता चला। खुशी किसको खेल रही है, ये भी नहीं पता चला। तब इसका मतलब क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर व्हाट में जो आंसर मिलेगा, अगर व्हाट में आंसर मिलेगा तो आप समझेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर व्हाट में आंसर नहीं मिलेगा तो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। एक वर्ड आप याद रखिएगा बस, तो यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे प्लेइंग जो है क्या है, ये हो गया आपका इनट्रांसिटिव वर्ब। ये तो क्लियर आपका। चलिए अब आपको हम कुछ बता दें, ऐसी वर्ब्स जो कि हमेशा होती हैं, हम श्योरली हमेशा वही होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स ही होती हैं, वो कभी इनट्रांसिटिव में यूज होती ही नहीं है। जैसे ब्रिंग है, कैरी है, लिख दे रहे हैं, जैसे आपका हो गया ब्रिंग, कैरी और क्लाइंब, क्लाइंब हो गया, फिर हो गया गिव, फिर हिट, मेक, टेक, हिट, मेक और टेक, ये है दोस्तों ऐसी वर्ब। देखिए ब्रिंग, कैरी, क्लाइम, गिव, हिट, मेक और टेक एक्सेट्रा, इतनी वर्ब्स ऐसी हैं जो हमेशा होती हैं, किस हमेशा ये ट्रांसिटिव ही होती हैं, इन ट्रांसिटिव में कभी यूज नहीं होती हैं। अगर ये कभी भी आती हैं कहीं भी तो इनका अर्थ हमेशा, जो इनका जो सेंस होता है वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे देखिए राम गेव मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और एक बात आपको बता दें कि ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव दोनों ही सेंटेंसेस में हमेशा जो सेंस होता है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। सेंस दोनों सेंटेंस का होना चाहिए कंप्लीट। तो राम गेव मी, राम मुझे दिया, राम गेव व्हाट, राम ने मुझे क्या दिया, कुछ बताइए क्या दिया, कुछ दिया। आप अगर इतना केवल सीखेंगे कि जिन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होता है वह होती हैं इन, वह होती हैं ट्रांसिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह होती हैं इनट्रांसिटिव, तो वह भी रॉन्ग है। यहाँ पे मी क्या है, मी आपका एक ऑब्जेक्ट ही तो है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे गेव जो है ट्रांसिटिव होना चाहिए, लेकिन यह कैसी वर्ब है, इनट्रांसिटिव है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमेशा ये रहती है ट्रांसिटिव, और ट्रांसिटिव रहती तो रहती है, तो इसके बाद ये आना चाहिए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, हमेशा जहां कहीं भी जिस भी सेंटेंस में आपको कोई मिल रहा है, गिव, कैरी, क्लाइम, गिव, मेक, टेक एटसेट्रा, तो जहां कहीं भी वर्ब्स मिलेंगे आपको, उन मेन वर्ब के बाद तुरंत बाद आपको एक आना लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वह सेंटेंस रॉन्ग है, वह जो मेन वर्ब है वह इनट्रांसिटिव में है। तो देखिए अब इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे, राम गेव मी ए पेन, देखिए राम गेव मी ए पेन, तो आप इसको जब सही करेंगे, राम
gave a pen to me. अब देखिए राम गेव टू मी व्हाट, राम ने मुझे क्या दिया, तो राम ने मुझे एक पेन दिया. व्हाट के आंसर में क्या मिला आपको, ए पेन. जब क्या के उत्तर में ए पेन मिला तो ए पेन क्या हुआ, ए पेन तो आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला तो मेन वर्ब क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा. तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को. इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है आकर्मक क्रियाएं. आकर्मक क्रियाएं देखिए ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको अपना अर्थ पूरा करने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी उसके बाद भी सेंटेंस होना चाहिए क्लियर. सेंटेंस का जो सेंस है वो पूरा होना चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक, आकर्मक क्रिया. आकर्मक क्रिया देखिए द वर्ब यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब. देखिए ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपने अर्थ को पूरा कर लेती है, जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन आप एक बात को याद रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उस सेंटेंस का जो सेंस है वह पूरी तरह से कंप्लीट है, क्लियर होना चाहिए. अगर अगर वह इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तब वह सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा, उसको आप उसमें तब वर्ब नहीं बनेगी. देखिए और एक बात आपको बता दें, पहले रुक जाइए, जो ये वर्ब की बात यहाँ पे हो रही है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का मतलब तो आप समझ गए, इंट्रांजिटिव का मतलब तो आप समझ गए. वर्ब्स भी तो कई होती है ना, लेकिन उन चारों पांचों वर्ब में से केवल एक वर्ब ऐसी है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में होती है और बाकी वर्ब नहीं होती है. उसको आप जानते रहिए, जानते रहिए मेन वर्ब्स. मेन वर्ब का नाम तो आपने सुना ही होगा पहले से ही. मेन वर्ब ऐसी एक वर्ब है जो वही केवल ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में होती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना. तो देखिए अब इसमें एग्जांपल क्या है, इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म की जरूरत नहीं लेती है, कर्म की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है. एग्जांपल देखिए, आलोक ब्रोक ग्लास. आलोक ने ग्लास को तोड़ दी. देखिए आलोक ब्रोक व्हाट, आलोक ने क्या तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, ग्लास. ओके चलिए छोड़िए, तो आपका एग्जांपल क्या है ट्रांजिटिव का है, आलोक ब्रोक, आलोक ने तोड़ दी, क्या तोड़ी पता नहीं क्या तोड़ी. अब क्या में कुछ मिला आपको, तो ये क्या है इसका सेंटेंस जो सेंस है ये क्लियर होना चाहिए, क्लियर भी आलोक ने तोड़ दी, ठीक है. अब क्या तोड़ी ये नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या, ये जो ब्रोक वर्ड है ये हमेशा क्या है, ये आपका है इन ट्रांजिटिव, ठीक है ना. और देखिए सी वाज She was teaching English. She was teaching English. वह English पढ़ा रही थी, ठीक है. फिर कह रहा कि she was teaching us. वह हमें पढ़ा रही थी, ओके. फिर आई एम लर्निंग ए लेसन, आई एम लर्निंग अ लेसन. चलिए तीन सेंटेंस हमने यहाँ पे दिया, आप बताइए यहाँ पे कौन ट्रांजिटिव और कौन वर्ब इंट्रांजिटिव है. देखिए सी वाज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो सी वाज टीचिंग व्हाट, वह क्या पढ़ा रही थी, आपको मिला इंग्लिश. तो इसका मतलब क्या, जो टीचिंग वर्ड है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वाज है इसकी बात कभी नहीं होती है. ये भी तो वर्ब ही होती है ना, लेकिन इसकी बात कभी नहीं होती है. सी वाज टीचिंग अस, वह हमें पढ़ा रही थी. देखिए यहाँ पे जो अस वर्ड है तो क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है ना,
क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन यह जो ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अभी नहीं समझ पाया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको आप पहले समझ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। सी वाज टीचिंग अस, सुबह हमें पढ़ा रही थी, तो जो ये हमें वर्ड है ये क्या है, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब टीचिंग वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब है ये। आई एम लर्निंग अ लेसन, हम मैं एक पाठ याद कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे आई एम लर्निंग व्हाट, क्या याद कर रहा हूं, ए लेसन। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। और कुछ आपको ऐसी वर्ब्स बता दें जो सियोरली होती है वो इंट्रांसिटिव, हमेशा वो इंट्रांसिटिव ही होंगी, अगर वो कहीं भी यूज होती है तो उनके तुरंत बाद, जैसे भी आपने देखा था गिव है, कैरी है, क्लाइंब है, गिव इट, मेक है ना, मेक है, टेक है, तो इन सब वर्ब्स समेत हम इसको जहां कहीं भी आती है वो ट्रांसिटिव होती है। लेकिन अब कुछ वर्ब्स ऐसे बताएंगे आपको जो हमेशा कहीं भी आएंगी वो हमेशा इंट्रांसिटिव में होंगी, और इंट्रांसिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आएगा अगर तो इनडायरेक्ट आएगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो देखिए उसमें से पहला आपका है क्राई, क्राई है, डाई है, लॉफ है, डाई है, लॉफ है, फिर रन, गो, गिव, लिव, रन, गो, लिव, इसकी फॉर्म्स बता सकती है, उसमें कोई परेशानी होगी आपको, स्लीप, फिर स्टैंड। देखिए ये ऐसी वर्ब्स हैं जो सियोरली हमेशा ये क्या होती हैं, इंट्रांसिटिव में ही यूज होती हैं, या ट्रांसिटिव वर्ब कभी बनती नहीं है, इनको याद कर लीजिएगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्या है, क्राई है, चाइल्ड क्राई, ठीक, बच्चा रोया, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस तो कंप्लीट है, क्लियर है, बच्चा रोया, तो यहाँ पे क्या ये इंट्रांसिटिव, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। अगला देखिए गो, तो कह रहा है कि ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल। अब बताइए यहाँ पे जो गोज वर्ड है ये क्या है, ये ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, थोड़ा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए यहाँ पे, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो इसमें ये गोज वर्ड जो है ये क्या है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, स्कूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जब ये कॉम्प्लीमेंट है जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑलरेडी हम आपको बताए हैं कि गो वर्ड हमेशा क्या होता है, इंट्रांसिटिव ही होता है, तो ये हो गया आपका इंट्रांसिटिव। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।